Hi, this is Slim from Eiffel State. Today we are discussing about residential property and commercial property. Come to the point, viewers. Mostly clients हमसे यही question करते हैं कि हम अपनी investment जो है commercial property में invest करें या residential property में. तो मैं उनको यही एक बात कहता हूँ कि आप अपनी जो है investment है वो commercial property में invest करें. देखें, मैं for example ये आपको बताता हूँ कि अगर आप एक घर purchase करते हैं 5 मरले का जो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख का है, उसकी जो मिनिमम जो आपको जो रेंट आउट होगा वो 30,000 तक होगा. अगर यही इन्वेस्टमेंट आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में करते हैं जो कि कोई अपार्टमेंट भी हो सकता है या कोई शॉप हो सकती है, उसमें जो आपको मंथली रेंट जो मिलेगा वो तकरीबन 50,000 से 70,000 होगा. तो इस लिहाज से अगर मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी क्लाइंट जो है इन्वेस्टर जो है वो अगर अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस से कुछ चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट है उसे कमर्शियल में करनी चाहिए. देखिए, लेट्स सपोज अगर आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं जो एक अपार्टमेंट भी हो सकता है और एक शॉप भी हो सकती है, वो 50 लाख की आप परचेज करते हो, आफ्टर 1 ईयर वो जो है आप उसकी जो प्राइस जो इंक्रीज़ होकर 80 लाख तक चली जाएगी. यही वजह है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको यही हम कहते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें.